हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है भोकाल गेमिंग के एक और नए वीडियो में। आज मैं वो गेम खेलने जा रहा हूँ जिसके शॉर्ट्स ने हमें बहुत सारे व्यू दिए हैं, जैसे कि इसको भूल गए, गजब बेइज्जती है। इजी इजी तो बच्चे खेलते हैं, हम जैसे प्रो तो हार्ड खेलेंगे। औकात में रहो। नानी ओमाए वा मो शिंदेइरु। वैसे प्रो प्लेयर कभी कभी नॉर्मल भी खेल लेते हैं, हार्ड अगली वीडियो में खेलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसे मैं डे वन में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत प्रो है। वैसे ये गेट खेलना तो बच्चों का गेम है। पिन उठाओ, यहाँ पर लगाओ और अपना कुट 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 करके खोलो। वैसे मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ऊपर ही जाऊँ, क्योंकि नीचे जाने का कोई वैसे फ़ायदा भी नहीं, और जैसे जाऊँगा वो भोंपू भोंपू आ जाएगा और भोंपू भोंपू करेगा और ग्रैनी को बुला लेगा और मेरा पहला दिन ही ख़राब हो जाएगा। और मुझे मेरा पहला दिन ख़राब नहीं करना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें ढूंढ सकूँ तो ढूंढ लूँगा। ग्रैनी मैं आ रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। नमस्ते, मैं जा रहा हूँ ग्रैनी, गलती से आ गया, गलती से। लगता है ये ग्रैनी मुझे नीचे ही भेज के रुकेगी। रुक को देखता हूँ, अरे ये तो आ ही रही है, पीछे ही है। एक काम करता हूँ, इधर ये डब्बा सा है, इसके अंदर ही तो पक जाता हूँ। मैं बंद हो जा। मैं बगल वाले अंकल के घर में, उधर जाओ, उधर जाकर ढूंढो। लगता है ग्रैनी अब चली गई, बाप बाहर निकल जाते हैं। ऊपर चलते हैं आराम से, देख के चुपके चुपके। ये बहुत धोखेबाज हैं, कभी भी आ जाते हैं अचानक से। लेकिन इस बार मैं पक्का ऊपर जाके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या रख रखा है यहाँ पर? अच्छा, अपना कांटा रख रखा है। एक काम करता हूँ, इस गेट को बंद करके इधर से दीवार से चिपक के चला जाता हूँ। ग्रैनी प्रो प्लेयर को जानती है ना कैसे जाते हैं। ये ग्रैनी के बस की बात नहीं मुझे रोकना। चलो ऊपर चलते हैं चिपके चिपके, ग्रैनी ना हो बस यहाँ। नमस्ते। अरे ये तो ग्रैनी पीछे ही पड़ गई है, इसको इस बार नीचे जाके घुमा के आना पड़ेगा इसको। चलो अब दिखाता हूँ इस अपने प्रो प्लेयर का दिमाग, दिखाता हूँ इस ग्रैनी को। कम ग्रैनी कम, जल्दी जल्दी नीचे आ, फिर तुझे को घुमा के नीचे से ऊपर आना है। अभी तेरा भोपू वाला भी आ रहा होगा पीछे, आ जा भोपू। ये भोपू वाला कुछ भोंपू भोंपू क्यों नहीं कर रहा है? चलो बेल तो बजी, अब ग्रैनी इधर आएगी। अच्छा है, अरे प्लैंक। चलो ग्रैनी ने कुछ तो फ़ायदा करवा दिया मेरा नीचे आने का, वरना मेरा इतना सारा टाइम पास करवा दिया इसने मेरा। इसे गिराऊँ कि ना गिराऊँ? गिरा देता हूँ। चलो अब एक काम करता हूँ, उधर जाके वाच कर देता हूँ ताकि ग्रैनी उधर आए और मैं इधर से निकल पाऊँ आराम से। इधर चलो, एक दो आवाज़ कर दिया, अब चलो अंदर जाके दुपक जाता हूँ। ग्रैनी आ जा, आ गई। अब चलो जल्दी जल्दी भाग के निकलता हूँ मैं, बस अब इधर ग्रैंड पर ना मिल जाए वरना मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ग्रैनी नीचे फंस गई है और ऊपर मैं जाकर आराम से बाकी सब चीज़ें ढूंढ लेता हूँ। बस एक बार वेपन की मिल जाए, फिर इन दोनों ग्रैनी ग्रैंड पर मैं बताऊँगा। इसका जाला अभी तक हटाया नहीं इसने। आराम से गेट बंद करके चुपचाप निकल जाता हूँ ऊपर। ध्यान बस इतना देना कि ग्रैंडपा ना मिले, बस ग्रैंडपा इधर नहीं होना, बाहर है शायद ग्रैंडपा। लगता है ग्रैनी ऊपर आ रही है, प्लैंक को फेंक के मैं बाहर निकल जाता हूँ और पत्थर ढूंढ के वेपन की बस एक बार मिल जाए, फिर इन दोनों ग्रैनी ग्रैंडपा को बताऊंगा मैं अच्छे से कौन प्रो प्लेयर है। ये मिल गया दूसरा पत्थर, उड़ जा उड़ जा। एक तो यार इसका एम पूरा एकदम उसके पत्थर के ऊपर ही करना पड़ा। ग्रैंडपा उधर, ग्रैंडपा जा जा, शू 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 शू। अरे तो मुड़ गया, इधर से भागना पड़ेगा। इधर ग्रैनी आ रही है यार, इधर दुबक जाता हूँ कार के पीछे। ओ नो, इसने तो मुझे देख लिया। इसे गोल गोल पानी दिखाता हूँ आज मैं। आजा गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। आजा पीछे पीछे आ ग्रैनी, अब जल्दी जल्दी भाग के भाग जाता हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई एकदम मेरे। काम करता हूँ, आगे चला जाता हूँ, उधर से घूम जाऊँगा, फिर ये पीछा करना छोड़ देगी मेरा। एक बार मुड़ के तो देखो, शायद ये चली गई शायद ग्रैनी। हाँ शायद चली गई ग्रैनी। अब आगे जाके तीसरा पत्थर भी उठा लेता हूँ। ये तीसरा पत्थर भी मैंने उठा लिया। अरे ये तो ग्रैनी पीछे ही पड़ी है मेरे। आगे इधर साइड जाऊँगा तो इधर ग्रैंड पर मिल जाएगा और इधर ग्रैनी है। एक काम करता हूँ, इधर से घूम के वापस घर के अंदर घुस जाता हूँ। बस एक बार वेपन की मिलने की देरी है बस, फिर इन दोनों ग्रैनी ग्रैंड पर बताऊँगा मैं। ये जो जितना पीछा कर रहे हैं ना, एक में तो बस सोए पड़े पाएंगे इधर उधर। बस अब पहुँच ही गया मैं, इधर से घूम जाता हूँ, फिर ग्रैनी से मेरा पीछा छूट जाएगा। ग्रैनी बाय बाय। इस ड्रॉर में देखो इसमें कुछ है क्या नहीं। अरे यार ये तो एक तो ग्रैनी की घासी बहुत डरावनी है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सब ड्रॉर किस लिए रख रहा है जब खाली रखना है तो? इसके अंदर कुछ मिल जाए बस। इसके अंदर ये क्या रखा है? वेपन की। चलो वेपन की मिल गया, यही बस एक चीज़ चाहिए था मुझे। अब जाके जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ और ग्रैंडपा की गुलेल उठा लेता हूँ, फिर इन दोनों ग्रैनी ग्रैंडपा को मैं बताऊँगा। ये लॉक है, इसको इसका लॉक तोड़ता हूँ। इधर ग्रैनी ग्रैंडपा कोई नहीं है ना?
हाँ पहुंच गया मैं फर्स्ट फ्लोर पे और ग्रैंडपा के रूम में। अब जल्दी से इसमें से वेपन निकाल के इन दोनों ग्रैंडपा को बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ग्रैनी अब आ जा अब आ ज, पहले तो बहुत पीछा कर रही थी अब आ ही नहीं रही है। इधर है ग्रैनी, इधर से निकलूंगा कहीं पता चला बुड्ढे ने हेडशॉट मार दिया, ओलंपिक का खिलाड़ी। एक काम करता हूँ यहीं पे दो तीन बार आवाज़ कर देता हूँ, आ जाएगी वो। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर से करता हूँ, अब देखता हूँ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आ जा ग्रैनी, किधर है यार, आ ही नहीं रही है। तो आ गई आ गई आ गई, अब इसको हेडशॉट मारूंगा मैं। नमस्ते। ले मेरा नमस्ते। ग्रैनी को तो मैंने मार दिया, अब बस एक बार ग्रैंडपा था उसको दिन में तारे दिखाता हूँ मैं। आ जा ग्रैंडपा, आ गया ये भी, आ जा ले तारे देख, इसको तारे दिखा दिए। इसके गन छुट नहीं, पहले इसका टाट छोड़ता हूँ मैं, फोड़ दिया। अब इस शॉट गन को उठा के इधर उधर देख लेता हूँ कुछ मिल जाए। इसके अंदर तो पैडलॉक की है, इधर वाले ड्रॉर को देख लेता हूँ इसमें कुछ मिले। ये तो खाली है। अब एक काम करता हूँ सबसे नीचे जाता हूँ, सबसे पहले इधर ड्रॉर को देखता हूँ इन दोनों को, और नीचे जाके कांच को फोड़ के उसके अंदर देखता हूँ क्रोबार मिलेगा और कुछ ना कुछ तो एक चीज़ मिलेगा। ये दोनों खाली थे वो तो ऊपर डब्बे। इसके अंदर देखता हूँ कांच को फोड़ के इसके अंदर कुछ मिल जाए अच्छा सा। इसके अंदर क्या है, फ्यूज़। चलो फ्यूज़ तो मिला एक क्रोबार। इसको उठा के अब सबसे पहले एक काम करता हूँ, इधर जो डब्बा है सीढ़ी के बगल में इन्हें इसे खोल के देखता हूँ इसके अंदर एक बार शेड की मिल जाए, बस शेड खुल जाएगा। जनरेटर केबल, चलो इसे एक बार शेड की मिल जाएगा फिर इसे जनरेटर चालू कर दूँगा और मेरी लिफ्ट चालू हो जाएगी। इस शॉर्टकट को पहले इसके अंदर एमओ भर लेता हूँ और कुछ पत्थर उठा लेता हूँ कि कहीं ग्रैनी ग्रैंडपा जिंदा हो गए तो कम से कम पत्थर तो रहेंगे मेरे पास मारने के लिए इन्हें। चलो इस कार में से एक एमओ भर लेता हूँ और कुछ पत्थर उठा लेता हूँ। ये एक एमओ उठा लिया, अब कुछ पत्थर उठा लेता हूँ। ये गेम तो बहुत आसान है, ऐसा क्या है जो बच्चों को डराती है। दम है तो मुझे जैसे शेर को डरा के दिखाए। चलो दूसरा भी। बस पता चल गया क्या डरावना है, ये हवेली तो भूतिया है। जल्दी से जल्दी जल्दी एस्केप करके यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये दो बुढ़े बुढ़िया से डरावने से भूत जैसे और उनकी बेटी भूतनी सिलेंड्रीना। बस हवा निकल गई। चलो सबसे ऊपर जाके उस कौवे को मार के उसके पास देखता हूँ कुछ मिल जाए, सैड की मिल जाए तो अच्छा है। चलो अब ऊपर पहुँच गया, अब देखता हूँ यहाँ पर कुछ मिल जाए बगल वाले रूम में। यहाँ पर कुछ है क्या इस ड्रॉर के अंदर? इस ड्रॉर के अंदर भी कुछ नहीं है, इस ड्रॉर के अंदर इसमें भी कुछ नहीं है। अब एक काम करता हूँ सीधा कौवे के पास ही चलता हूँ, बस एक बार उसके पास शेड की मिल जाए फिर मेरा आधा काम हो जाएगा पूरा। कौवे में आ गया, मुझे शेड की मेरी दे दे शेड। अब एक काम करता हूँ गन को यहाँ पर फेंक के यहीं से शेड की उठा के नीचे चला जाता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं इधर कोने से जाके शेड की तरफ इसको फेंक देता हूँ और फिर शॉर्टकट पकड़ के नीचे जाऊँगा। शेड आ गया शेड की। अब इस शॉटगन को उठा के यहीं से नीचे उतर जाता हूँ। यहाँ से जाना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा जिंदा हो गए होंगे। एक काम करता हूँ इधर शॉर्टकट से चला जाता हूँ, वैसे भी हम प्रो प्लेयर हैं शॉर्टकट से तो जाना हमें बनता है। आराम से उतर जाना यहाँ पर, उतर गया। एक काम करता हूँ इधर जाके इधर बस बैठ के इधर झाड़ियों के ऊपर उतर जाऊँ, हो गया मेरा काम। अब चलो सबसे पहले साइड की तरफ जाता हूँ। ये सब ये सिलेंडर में जो बार बार आकर डराती है ये ग्रैनी, ले गोली खा। ग्रैनी आ चुकी है यानी कि ग्रैंडपा भी इधर ही कहीं पे होगा। गोली उठा लेता हूँ, रास्ते में मिल जाएगा तो उसे उस गोली का मजा दिखा दूंगा। ग्रैंडपा किधर है? ग्रैंडपा इधर आ गया। ग्रैंडपा ले भाई गोली खा। अभी सबसे पहले शेड की तरफ जाता हूँ और शेड के अंदर देख जनरेटर केबल लगा लूँगा। चलो सीधा शेड की एरी इसे ताले में लगा के इस ताले को खोलता हूँ। खुल गया ताला, इसमें देखते हैं इसमें कुछ क्या है। एक्सीलेटर, ये तो ट्रेन के लिए होता है। अब एक काम करता हूँ नीचे जाके मैं अपना केबल ला के इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि मेरी लिफ्ट चालू हो जाए। मेरा जनरेटर केबल यहीं पे डब्बे के अंदर रखा था, उठा लेता हूँ उसे और ऊपर ले जाके जनरेटर के अंदर लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ नीचे जाके फ्यूज़ को भी उठा लाता हूँ, वरना बार बार मुझे नीचे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि इसे ऊपर ही ला के रख दूँ। मेरे ख्याल से फ्यूज़ नीचे ही होगा जहाँ पर से मैंने एक क्रोबार उठाया था शीशा फोड़ के। देखता हूँ, हाँ यहीं पर है मेरा फ्यूज़। एक काम करता हूँ इसे ऊपर ले जाके फेंक देता हूँ। अब मुझे शायद संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी अब तक जिंदा हो गई होगी, इसलिए जाके फेंक दो। अरे किसी ने मुझे देख लिया। नमस्ते अंकल जी। अरे यहाँ पर तो ग्रैंडपा, जल्दी से मुड़ जाता हूँ। अरे इन दोनों ने तो मिलके मेरा डे वन खराब कर दिया। अब डे टू में देखता हूँ क्या कर पाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं तो पहले जनरेटर केबल लेके उसे साइड में ले जाके जनरेटर में लगा देता हूँ। इसे खोल के चलता हूँ यार। अब इस केबल को ले जाके जनरेटर में लगा देता हूँ जिससे मैं आराम से ऊपर नीचे कर पाऊंगा।
तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। लिफ्ट से फर्स्ट से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आराम से जा पाऊंगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो अब जाके फ्यूज को ऊपर लगा देते और एक ब्रिज क्रैंक को ढूंढना बस। अरे ग्रैनी आ गया यहाँ पर से। मेरा स्लिंग शॉट कहाँ है यार? उसे कहाँ पर फेंका था मैंने? मेरे ख्याल से उसे मैंने सीढ़ियों पे फेंका था। जल्दी जाके देखता हूँ वहाँ पर मिलेगा तो ग्रैनी को बताऊंगा मैं। चलो मेरा स्क्रीन शॉट तो मिल गया, अब इस ग्रैनी को बताता हूँ मैं। आ जा ग्रैनी, कब से मेरा पीछा करती आ रही है, बस एक बार ग्रैंड पन आ जाए। एक गोली मार दिया, एक और। अरे बच गया मैं तो यार, ये अभी तो मेरे को ग्रैंड पा मार डालता है। ये ले ग्रैंड पा। अरे मेरे पत्थर तो खत्म हो गए, इसकी शॉट गन ले लेता हूँ। एमओ, अरे यार इसमें एमओ कहाँ है? एमओ मिल जाए मुझे यार, इधर भी एमओ नहीं है। इधर अंदर कहीं पर बाथरूम में रखा हो। ग्रैंड पा पे बहुत एमओ है, इधर उधर फेंकते रहता है कहीं ना कहीं पर। देखता हूँ इस डोर के अंदर शायद मिल जाए। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो सिलेंडरना की डॉल है। एक काम करता हूँ, पहले सिलेंडरना की डॉल सिलेंडरना को ऊपर ले जाकर वापस कर देता हूँ, जिससे सिलेंडरना के हमें तंग नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? मैं सिलेंडरना की डॉल उसे वापस तो कर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट की तेज होगी। अरे यार शॉटगन तो ऊपर ही रह गया, अब ये ग्रैंडपा उसे उठा लेगा। एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर फेंक के यहाँ से बगल से उठाने की कोशिश करता हूँ। आ जा शॉटगन, आ जा आ जा। अरे यार नहीं आ पाया। अब एक काम करूँगा, ऊपर डॉल को डाल के और नीचे जाके उस वेपन को उठा लूँगा। फास्ट पहुंच गए हम इस फ्लोर पे। अब इधर से कहीं पे, हाँ यहीं पे इसमें डालना होता है। ये हिला दिया, अब इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। सिलेंडर अब चली जाएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये सिलेंडर से हमें कौन सी की मिली? सेफ की। एक इसका काम तो शायद बाथरूम में होता है। इसे एक काम करता हूँ, यहीं पे फेंक देता हूँ और नीचे जाके पहले गन उठा लेता हूँ, वरना ग्रैंडपा वो गन उठा लेगा और हमारी बहन बजा देगा। बस ग्रैंडपा ने वो गन ना उठाई हो, नहीं तो हमारी तो बैंड बच जाएगी। गन्ना गन तो है यहीं पे। एक काम करते हैं, यहीं से उठा के नीचे उतर जाता हूँ और एमओ ढूंढता हूँ। इसकी एमओ कहाँ है? एमओ कहाँ मिलेगी अब मुझे? इधर इसमें देखो, इसके अंदर अलमारी के अंदर, इसमें नहीं है। हाँ ये रही एमओ, दो मिल गया। अब तक तो शायद ग्रैनी ग्रैंड पर जिंदा भी हो गए होंगे। आज ये क्या है? बॉस बच गया मैं तो, इसने दिखा नहीं। ले हेडशॉट खा। अब ग्रैंड पर भी आ रहा होगा। ग्रैंड पर आ जा, आ गया ग्रैंडपा। ये ले गोली। चलो अब जल्दी से ब्रिज क्रैंक को ढूंढूँ और फ्यूज़ को ऊपर जाके लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले इस प्लैंक को उठा के ऊपर लगा के देखता हूँ, क्या पता वहाँ पर ब्रिज क्रैंक हमें मिल जाए। यहीं पे लगाना होता है, इसे यहाँ पर लगा दिया। जाके देखता हूँ। मैं ऊपर से गिरा नहीं हूँ, मैं प्रो प्लेयर हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, सबसे पहले फ्यूज़ लेके आऊँगा, फ्यूज़ को लगाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ूंगा। प्रो प्लेयर गिरते नहीं है। यहीं पर मेरा फ्यूज़ है, इसे उठा के ऊपर ले जाके जल्दी से लगा देता हूँ। चलो अब हम टॉप फ्लोर पे पहुंच गए हैं। इसी यहीं पे लगाना होता है इसे, हाँ इसी के अंदर लगाना होता है। इसमें लगा के अब गेट को खोल देते हैं हम। चलो गेट ओपन हो गया। अब एक बस एक ब्रिज क्रैंक मिल जाए, या तो यहाँ मिलेगा या फिर सेफ की सेफ बॉक्स के अंदर मिलेगा। अब दोनों जगह देखते हैं, क्या पता मिल जाए कहीं पर। वो मिल गया, यहीं पर मिल गया मैं। चलो अब इसे जल्दी से नीचे ले जाके शॉर्टकट से ले जाता हूँ इसे, और नीचे ले जाके ब्रिज को नीचे करता हूँ। बस अब हमारा डोर एस्केप होने वाला है। बस हमें ये ध्यान रखना है, ग्रैंड ग्रैंड पर हमें पकड़ना है। यहाँ पर तो नहीं है, चलो चलता हूँ सीधा। इधर भी नहीं है, चलो आराम से चलता हूँ यहीं। अरे ग्रैनी यहीं पे क्या कर रही है? एक काम करता हूँ, यहाँ पर वॉच करके दूसरी तरफ से चला जाता हूँ, ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ जाए और मुझे वहाँ पर कोई भी रोक ना पाए। ग्रैनी आ रही है, अब चलो उधर चलता हूँ आराम से। हाँ आ ही रही है इधर ही। चलो घूम के जल्दी से चला जाता हूँ उधर साइड। अब फ्रेंड्स हमारा डोर स्केप जल्दी से होने ही वाला है, बस हमें एक ब्रिज नीचे करना है और तुरंत उस पर चला जाना। बस ग्रैंडपा यहाँ ना हो, वरना ग्रैंडपा मेरी बैंड बजा देगा। हाँ ग्रैंडपा यहाँ पर तो नहीं है। चलो जल्दी से जाके ब्रिज को नीचे करके उसके ऊपर चढ़ के उधर से चला जाता हूँ मैं, फिर हमारा डोर स्केप पूरा हो जाएगा। हाँ ग्रैंड पा नहीं है, इधर लगा के इसे चालू कर देता हूँ। ग्रैनी, एक ग्रैनी ग्रैंडपा को बुलाऊँ क्या? चलो थोड़ी सी आवाज़ करके ग्रैनी को बुलाता हूँ। आ जा ग्रैनी, मैं आ जा रहा हूँ। ग्रैनी आ जा। अरे पहले तो आई जा रही थी, अब तो आ ही नहीं रही है। आ जा ग्रैनी, ग्रैनी नहीं आ रही तो छोड़ो, हम चले जाते हैं गेट खोल के। ग्रैनी बाय बाय।